तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपफायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं एक और सीरीज़ जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की, जो कि हो जाएगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पहला चैप्टर डील करेंगे। अब इतनी बात आपको बता दूं अगर, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्ट लग जाती है 90% केसेस में, तो हो जाती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफरेंट लगने में? क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ्स की तरीके से है कि जैसे मैथ्स का कोई एंड नहीं है, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई एंड नहीं है। कितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब अगर हम इस बात को शुरू करें, समझना शुरू करें, तो हम क्लास 12th में सबसे पहला चैप्टर जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि क्लास 11th में भी था, उसी को हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। लेकिन 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड भी होनी चाहिए, और साथ में हमें कुछ कुछ चीज़ें उसकी अच्छे से पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि हमारा बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करानी है क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम अपना 11th का बेस भी लेकर चलेंगे। तो पहली जो वीडियोस होंगी स्टार्टिंग की, उसमें हम अपना बेस को कवर करेंगे, और उसी के साथ साथ हम क्लास 12th के लेवल को भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल शुरुआत से आपके लिए, आपके सामने। ऑर्गेनिक, जहाँ से सबसे पहला अक्षर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक। अच्छा, तो कोई भी पूछता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक? डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, ए ग्रीक वर्ड। कहाँ से? डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। आपने अक्सर हर जगह पे ग्रीक का लोगों का नाम बहुत सुना होगा, ये बहुत ही होशियार लोग थे, आपको समझने के लिए बता दिया। डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मी जिस जो वर्ड क्या है, ऑर्गन, विच मीन्स लिविंग मैटर। अच्छा, मतलब क्या है डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड? एक ग्रीक वर्ड से मिला है जिसका वर्ड का नाम था ऑर्गन, और जिसका मतलब होता है लिविंग मैटर। लिविंग मैटर जैसे कि होते हैं प्लांट्स और एनिमल, जो कि हम हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट, ऑर्गेनिक की जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि ये एक ग्रीक वर्ड से बना जो कि है ऑर्गन, जिसका मतलब होता है लिविंग मैटर, जो कि है, जिसका एग्जांपल दे दिया हमने प्लांट्स और एनिमल्स। अच्छा, फिर इसमें सबसे, जब 19वीं सेंचुरी थी, 19 सेंचुरी का मतलब हो गया 1800 के करीब करीब, मतलब हमारा 1800 से लेके 1900 तक, इन जो सनों में, ये जो सन रहे हैं, इसमें जो भी हमारी चीज़ें आपने डिफाइन हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एक बंदा, एक दादाजी जिनका नाम है बर्जीलियस। अच्छा, बर्जीलियस को हमने सबसे पहले मान लिया फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खोज करी, मतलब इसे उस टाइम पर गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। परंतु जो अब आजकल की बुक्स हैं उसमें लिखा जा रहा है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो लॉर्ड बर्जीलियस। अच्छा, इतनी बात आ गई। तो इस बंदे ने क्या बात कही, इन दादाजी ने क्या बात कही, हमें ये बता दो भैया। इन्होंने एक थ्योरी इवॉल्व कर दी, एक थ्योरी बना दी, जिसका इन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, क्या बताती है, हम इसे कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। बहुत आसान सी थ्योरी थी, इन्होंने कहा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का अर्थ इन्होंने बता ही दिया था, क्या बताया इन्होंने, ऑर्गेनिक का मतलब बता दिया लिविंग मैटर्स, मतलब जो लिविंग क्रिएचर्स से हमें केमिकल्स प्राप्त हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त हो, ये सिंपल सीधी वाइटल थ्योरी है। जो अभी तक की वीडियो रहेगी इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, दो थ्योरीज पढ़ लेंगे, है ना, और अपनी उससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ तरीके से समझ लेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी, नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली इन द लैब, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ईदर नेचुरल और डिराइव फ्रॉम द नेचर। अच्छा, बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली, मतलब इंसान नहीं बना सकता, वो या तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या तो वो किस में होंगे भैया मुझे बता दीजिए, या तो वो होंगे आपके नेचुरल स्टेट में, या फिर नेचर से ही लिए जाएंगे, मतलब नेचर से ही वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स डिजॉल्व, वो इवॉल्व किए जाएंगे, डिराइव किए जाएंगे। अच्छा, अब आप ये कहते हैं अगर आप ऐसी बात बता रहे हैं तो वाइटल फोर्स थ्योरी के कुछ एग्जांपल बता दो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। अच्छा, तो हम कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है भैया, एग्जाम्पल नंबर हो गया मिथेन। अच्छा, मिथेन सबसे आपको ईजिली मिल जाएगा, गोबर गैस, मार्स गैस हो गई, मार्स गैस,
फिर हो जाएगा आपका CH3COOH। अच्छा ये नाम हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ लेते हैं 9 से 8 से। क्या होता है ये एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर। विनेगर क्या है? सिरका, जो कि आप अपनी चाउमीन में डाल लेते हैं। अच्छा फिर आ जाएगा आपका HCOH। HCOH क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। बतेरे बच्चे फॉर्मिक एसिड और आपके ऑक्सैलिक एसिड में कन्फ्यूज आते हैं। फॉर्मिक एसिड वो है जो आपका रेड एंट से निकलता है। किससे निकलता है भैया? रेड एंट से, मतलब लाल चीटी को पीस कर निकाला जाता है ये एसिड। अच्छा तो ये हो गए हमारे वाइटल फोर्स थ्योरी के कुछ एग्जांपल जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा फिर इसी को टक्कर देने के लिए एक और बंदा पैदा हो गया धरती पर, जिसका नाम हुआ लॉर्ड वूलर। अच्छा इन्होंने एक एग्जाम इन्होंने भी एक थ्योरी निकाल दी, वूलर एक्सपेरिमेंट, जो कि हुआ हमारा 1828 में। 1828 19वीं सदी ही चल रही है। 1828 में वूलर भैया ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारे जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो कि लॉर्ड बर्जिलस ने दी थी, उसे इन्होंने नाट दिया। इन्होंने क्या करा, उसको चेंज करने के लिए कुछ काम करा, जो कि क्या रहा, ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज ईथर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा तो हमारे बर्जिलस ने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो खोज होगी वो सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही होगी, मतलब नेचर से होगा या नेचुरल चीज़ों से डिराइव किया जाएगा। अब ये जो भैया आ गए, इनका क्या नाम है, लॉर्ड वूलर, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहली बार जिंदगी में पहली बार एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया आर्टिफिशियली, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से बनाया था। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूसेज नहीं हुआ, ये बात ये समझाता है। तो वो क्या है देख लीजिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना, यूरिया बना। अच्छा ये एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज डिस्कवर्ड आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल रूप से कौन सा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर किससे पूछ सकता है, किसने करा और कौन से सन में करा। 1828 सन हो गया और किसने करा, लॉर्ड वूलर ने करा। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या करा उसने, बस अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया तो आपका अमोनिया बन गया। अब क्वेश्चन में कभी कभी रिएक्शन आ जाती है, हाल तो ये वाला जो चैप्टर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तीनों चैप्टर जो आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा कि रिएक्शन लिख दो। तो क्या होगा रिएक्शन, NH4CNO आपका अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला हो गया NH4CNO। फिर हमने क्या करा, तीर मारा, तीर पे ट्रायंगल बना दिया, डेल्टा हो गया। मतलब क्या हो गया, डेल्टा, ट्रायंगल का मतलब होता है बड़ी क्लासेस में डेल्टा होता है, और हमारा क्या बन गया, यूरिया की फॉर्मेशन हो गई NH2CO NH2। अच्छा बहुत इजी फॉर्मूला हो गया, NH2 लगा दो NH2 लगा दो, CO बीच में फंसा दो, अच्छा यूरिया निकल के आ गया। तो इतनी सी बात हमें समझ में आ गई कि वूलर ने बर्जिलस की थ्योरी को अब गलत प्रूफ कर दिया। गलत नहीं करा, मतलब उसने जो इसने भी परिभाषा दी थी कि ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे इन्होंने झुटला दिया। इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज कर ली। अच्छा ये हमने इसकी रिएक्शन भी पढ़ ली, NH4CNO को हमने हीट करा और हमारा यूरिया बन गया NH2CO NH2। अच्छा फिर अब आप जो हम आज की सदी में हैं, फिर उसके बाद और भी सारे हमारे क्या आए, बहुत सारे और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक दूसरे की चीज़ों को ठुकराया। टोटली मिला के सब ने एक तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी को तो ठुकरा ही दिया, क्योंकि इसके बाद जो आया साइंटिस्ट उसने भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, तो एक तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी एक तरीके से ख़त्म हो गई। तो अब जो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो होगी द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा स्टडी हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को ही हम कहते हैं क्या भैया, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अच्छा अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन, उसे लिखने का तरीका, पहचानने का तरीका कैसे होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मैं बात करूं तो हम तोड़ सकते हैं प्रीफिक्स में और सफिक्स में। अच्छा प्रीफिक्स क्या है, पहले लगने वाला प्रीफिक्स हो गया, बाद में लगने वाला सफिक्स हो गया। आपको बात समझ में आ जाएगी, हमारी क्लास 12th में 100 तक के कार्बन, जिसमें कार्बन की वैल्यू 100 हो सकती है, इतना हमें लर्न होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कह रहे आपको जैसे 10 तक कर लेना है, फिर आपको 20 की कर लेनी है, फिर आपको 30 की 40 की 50 की कर लो, और ऐसे ही हम 60 70 80 90 और आप फिर हम अपनी 100 की कर लो।
100 की हो जाएगी हेक्टेन, ठीक है, इसकी कर लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अब हम कैसे समझेंगे, अगर हमारा कार्बन एलिमेंट, कार्बन कंपाउंड उसके अंदर वन है, एक कार्बन है, तो वो मिथ हो जाएगा। अगर दो कार्बन है इथ हो जाएगा, थ्री कार्बन है प्रोप हो जाएगा, फोर कार्बन है प्रोप हो जाएगा, और हमारा फिर चार है तो ब्यूट, पेंट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, और दस है तो डेक। जो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके रहेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्योंकि यहीं पर आके वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हाल तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या हो गया हमारा नॉन और डेक, अच्छा 10 तक। फिर आपका आया सबसे पहला 11वां अनडेक, ठीक है, फिर आया आपका डोडेक, फिर आया ट्राइडेक, ठीक है, फिर आपका आया टेट्राडेक, फिर पेंटडेक, हेक्सडेक्स, हेप्टडेक, ऑक्टडेक, नॉनडेक, और फिर आपका आ गया 20वां आइकस, हमारा सबसे बड़ा, जो अब इसमें बिल्कुल चेंज आ गया, जैसे इन सब में हेंट, हेप्ट ऐसे लग रहा है, तो 20वां आ गया आइकस। अच्छा, फिर 21वां आ गया आपका हेनाइकस, हेन मतलब मुर्गी, आइकस हो गई, ठीक है। फिर आपका 30वां याद कर लो, फिर इसके बाद जो 22-23 आएंगे वो वही आ जाएगा, डो आइकस, ट्राई आइकस, पेंट आइकस, हेक्स आइकस, ऐसे ही आ जाएंगे। अगर फिर मैं बात करूं 30 की, तो हमने इसे नाम दे दिया ट्राई कंटेन। क्या नाम दे दिया भैया? ट्राई कंटेन, ट्राई मतलब तीन है तो ट्राई, और हमने 30 को ट्राई कंटेन नाम दे दिया। अच्छा, अब ऐसे ही 31 आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे, फिर आपका 40वें का आ जाएगा टेट्रा, चार मतलब होता है टेट्रा, तो टेट्रा कंटेन, ठीक है, चार को देखेंगे यहाँ पर। फिर ऐसे ही यहाँ पे पांच है तो पेंट कंटेन, ठीक है, और 100 होगा तो हेक्टेन हो जाएगा। आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में हमने कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं करा, लेकिन अगर मैं इससे क्वेश्चंस बनाऊं तो आपके 5 क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं। क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक की डेफिनेशन अगर बर्जीलियस के उसमें आ जाए, ठीक है, फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा जा सकता है एक नंबर में, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी एक नंबर में आ सकता है, डेफिनेशन दे रखी होगी, आपको पूछ सकते हैं कौन सी डेफिनेशन राइट है। फिर हमारे वूलर एक्सपेरिमेंट आ जाता है, कौन से सन में आया या फिर किसने करा वूलर एक्सपेरिमेंट, इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। फिर हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली क्या फॉर्म हुआ, चौथा क्वेश्चन हो गया, वो हो गया आपका यूरिया, और किससे हुआ ये भी एक और क्वेश्चन आ सकता है। यूरिया इज फॉर्म्ड बाय ए डैश इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अमोनियम साइनेट। फिर आपकी रिएक्शन तो वैसे रिएक्शन भी आ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ वूलर एक्सपेरिमेंट इज राइट, तो ये वाली आपकी डेफिनेशन बिल्कुल, रिएक्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी। फिर आ जाएगा आपको मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ, ये तो वैसे नहीं आनी चाहिए फिर भी ले लेते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं आएगा जैसे पेपर में एक बार को। अब इनसे ही आपके बोल सकते हैं कि आप मुझे उस कंपाउंड का नेम बता दीजिए जिसमें कार्बन हमारे नंबर ऑफ कार्बन 30 हो, 40 हो, 41 हो, मतलब एक से लेके 100 तक कोई सा भी कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन दे देंगे उसका नाम पूछ लेंगे। तो ये आपके कुछ 5 क्वेश्चन इस वाली वीडियो में बन जाते हैं इस तीन टॉपिक से। तीन टॉपिक है ऑर्गेनिक की डेफिनेशन, वाइटल फोर्स थ्योरी, वूलर एक्सपेरिमेंट, और मॉडर्न डेफिनेशन तो कुछ बड़ी बात नहीं है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स हो गया। तो इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट जो कि बहुत छोटा है वो समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। इसी के साथ इस करता हूँ वीडियो को एंड, जल्दी लेके आऊँगा इसके पार्ट 2। जय हिंद, जय भारत।